मैं हूं शारिक्षा और मैं हूं समकांत। तो हाजिर हैं आपके साथ और आज की वीडियो में हम लोगों को बना रहे हैं पाकिस्तान का वजीर आजम। किसी को भी रोकेंगे अगर हम आपको पाकिस्तान का वजीर आजम बना दें तो आप क्या करेंगे? फिर लोग अपनी बड़ी बड़ी बातें करेंगे, फिर हम उन्हें जलील करेंगे। आपको क्यों बनाए? आप कौन है? आपको कोई जानता है? क्यों बनाए भाई? आपको कौन हो? और इसी पे लोगों की रिएक्शन लेंगे। चलते हैं मेरी तरफ, देखते रहे कैंप ऑन। अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका गोश्त, बिल्ली का गोश्त शारिक्षा जी। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एक आम आदमी, इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या सर? आसिफ। आसिफ भाई कहाँ रहते हैं? मैं इधर ही। ये माइक पकड़े सर, हाथ में। अब आपसे एक बात करने जा रहा हूँ। आपकी उम्र कितनी है? 26 है। 26 साल की उम्र में आपने अभी तक कुछ किया है? अच्छा, बहुत कुछ किया, अल्लाह का शुक्र है। चलें, उसके अलावा अगर आपको पाकिस्तान का सदर बना दिया जाए या आपको वजीर आज़म बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? ये सवाल तो मतलब आप थोड़ा अजीब कर रहे हैं। इस तरह का मतलब कैसे हो सकता है? नहीं, अगर बना दिया जाए मिसाल के तौर पर क्या करना है? मतलब महंगाई के हवाले से मेरिट पे फैसले करने पड़ेंगे। मेरिट करेंगे पहले आप? जी जी। अच्छा, और सिस्टम जो मतलब ख़राब हुआ है उसका मतलब कोशिश करेंगे ठीक करने की। आप सिस्टम ठीक करते हैं? मेरा यार सिस्टम पे है पेंटियम 4, वो सही कर दो। हैं आपको क्या हो गया? मतलब सिस्टम मेरा ख़राब पे है, वो कंप्यूटर सिस्टम नहीं होता वो वाला सिस्टम की गल। मतलब ये है कि जो ये इकोनॉमी का मसला बना पड़ा है, इकॉनमी का किस तरह हल करोगे? इकॉनमी के मसले हजे तक एडे एडे वे हुक्मरान नहीं सही कर पाए। बस हर इंसान जो भी आता है कोशिश तो करता है। महंगाई के हवाले से क्या करेंगे? महंगाई के हवाले से सबसे पहले देखूंगा कि क्या हो सकता है, मीटिंग्स होंगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उसामा खान, आप लोग का होस्ट, आपका दोस्त। तो हाजिर हूं मैं एक और न्यू वीडियो के साथ, एक और न्यू टॉपिक के साथ, करंट अफेयर के साथ। तो हमारे साथ मौजूद है इस वक्त, क्या नाम है आपका? नियाज अली शिकरी। अंकल अंदर आ जाए थोड़ा। क्या नाम है? नियाज अली शिकरी। नियाज अली हमारे साथ मौजूद हैं, तो हम इनसे सवाल करते हैं और इनसे पूछते हैं कि अगर इन्हें मुल्क का वजीर आज़म बना दिया जाए तो ये क्या करेंगे? अगर वजीर आज़म बना दिया जाता है तो मतलब मैं रूल ऑफ लॉ को फर्स्ट ऑफ ऑल इंश्योर करूँगा। अच्छा, अकाउंटेबिलिटी कल्चर लाऊंगा। ओ, अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी इक्वली, मतलब ठीक है ना, आपके जुडिशरी को स्ट्रेंथन करेंगे। ओके, तो लॉ के अकॉर्डिंग सब चीज़ें जो डेमोक्रेसी की जो असल रूह नज़र आएगी इस मुल्क में, तब सारी चीज़ें जो सिस्टम जो आप कहते हैं ना सिस्टम ठीक नहीं है, बंदे गलत हैं, ये एक दूसरे पर ब्लेम गेमिंग करते हैं, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। अब आपका जब गुड गवर्नेंस सिस्टम आएगा, अकाउंटेबिलिटी का जो कल्चर आएगा, अक्रॉस द बोर्ड कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबल करेंगे सबको, मतलब रूल ऑफ लॉ जब लाएंगे सारा कुछ सिस्टम ठीक हो जाएगा। मतलब मुल्क में जब कानून की हुक्मरानी होगी, गरीबों अमीर में कोई। अच्छा, मैंने नोट की है, मैंने एक बात नोट की है आप में ना, आप एक ही बात को इंग्लिश में, उर्दू में, पंजाबी में घुमा फिरा के एक ही बात को करे जा रहे हैं। मैं ये नोट कर रहा था, मेन जो बात वही है रूल ऑफ लॉ। अच्छा, रूल ऑफ लॉ के जो पश्तों में भी बता दें, पश्तों नहीं बेसिकली मेरा ताल्लुक है गिलगित बल्तिस्तान से। अच्छा, चलें उधर की जुबान में, बल्ती में बता दें, बल्ती में किसी को समझ नहीं आएगी कुछ। तो वही ना, आपने एक लाइन को चार हिस्सों में मतलब इंग्लिश में भी बताया, फिर उर्दू में भी बताया, फिर पंजाबी में भी थोड़ा। मतलब रूल ऑफ लॉ। अच्छा ठीक है, आप कह रहे हैं मतलब मैं आपसे, मेरा आपसे एक सवाल है, ठीक है, आपको वजीर आज़म हम बना दें, आप ये सब कर लेंगे, ठीक हो गया, लेकिन आपको क्यों बनाए? आप कौन है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसे कि आपका मौजूद है कि पाकिस्तान के हालात जो कि पहले से ज़्यादा ठीक हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे हालात जा रहे हैं। इन्हीं हालात के बारे में जिक्र करेंगे हम अपने एक बड़े प्यारे दोस्त से। इनकी तरफ चलते हैं, इनका नाम पूछेंगे और उसके बाद अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम क्या है? इमाम बख्श जी। इमाम बख्श। इमाम बख्श हमारे साथ मौजूद हैं। इमाम बख्श से हम सारी सूरत हाल डिस्कस करेंगे और इनसे जानेंगे कि अगर इनको पाकिस्तान दे दिया जाए बहैसियत वज़ीर आज़म या वज़ीर आला, किसी भी तरीके से इन्हें पाकिस्तान दे दिया जाए और पाकिस्तान के तरक्कियाती काम इनको सौंप दिए जाएँ तो ये क्या करेंगे? तो चलते हैं इनकी तरफ। और भाईजान कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक। काम शाम कैसे जा रहा? सानू भी रख लो नाल, साडा काम अजकल ज़रा ठप होया। आ जाए आप हमारे साथ। की करते हो? फ्री। फ्री होंगे? हमारी शॉप है। अभी बड़ा काम है कसम में। हमारी शॉप की शॉप एलपीजी गैस नहीं होती? एलपीजी गैस। हाँ जी, वो शॉप है ये गार्डन टाउन।
चलो एड्रेस दे देना, इंटरव्यू तो बाद इंशाल्लाह तुहाडा प्रॉपर गल करांगा। कहने का मकसद है बोल सकता पाकिस्तान तुहानू दे दिता जाए की करोगे पाकिस्तान ने? पाकिस्तान में तो सबसे पहले मुल्क की हालात जो है वो आपके सामने है। हाँ जी, आम के सामने है सर, मेरे सामने तो मेरे घर के हालात ही नहीं मान है, मुल्क की हालात तो बड़ी दूर ने, थोड़े इधर हो गए खलोवो। हाँ जी, नहीं हालात ऐसे हैं ना, घर के हालात जो होते हैं ना वो घर तक ही रहते हैं, जो मुल्क हालात है घर में ना, मुल्क तो बाहर मैं कड़ा थे हंगो रहना वहाँ पे। इतना अगर महंगाई आलमी सतह पर ही ना कम हुई तो आप पल्ले से डाल देंगे? नहीं, जो मतलब जिस तरह हो सकता है कोशिश कर सकते हैं हम। अच्छा, और तो मतलब कोशिश ही करता है हर इंसान। आप बता तो रहे हैं कि इतने बड़े बड़े हुक्मरान गुजरे हैं, हाँ तो मतलब कोशिश ही कर सकते हैं, जिस इंसान को मौका मिलता है वो कोशिश ही करता है। लो जी, पहले तुसी कोशिश करो, तुसी ना हो तो ना तो नहीं। ये हमारे सामने खड़े थे भाई जान, तुहानू पहली तो गल है कि पाकिस्तान दवेगा कौन? तुसी एडे समझ लो कि तुसी घबरा गए हो पाकिस्तान देने तो पहले ही, तुहानू पाकिस्तान देता तुसी ते निस्त मार दो। कोई शक नहीं, तुसी कोशिश ही करते रहना तो पाकिस्तान किसी ने तुहाडे को खो के ले जाना। मैं सिटीजन हूं, एक रिस्पांसिबल सिटीजन हूं पाकिस्तान। मैं भी सिटीजन हूं भाई, मुझे मेरी तरफ भी नजर करें, मैं फेमस भी हूं थोड़ा सा। नहीं आपको क्यों बनाए? नहीं, मेरे अंदर पोटेंशियल है, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, एक पैट्रियोटिक हूं। आप ऐसा क्या कर लेते हैं, आप बस को अपने मोड़े पे उठा के ले जाते हैं? देखिए मेरी बात सुने, मेरा मकसद ये है आपसे पूछने का, देखिए आपको कौन सपोर्ट करेगा? आपको वजीर आजम बना देते हैं, चुंगी अमर सद्दू का ठीक है वहाँ का बना देते हैं, आपको चार पांच बंदे वहाँ के पकड़ के उन्हें पैसे दे के हम वोट दिलवा देंगे। नहीं मतलब आपको वहाँ का बना देते हैं। देखें अब और क्या मतलब, इन्हें हम डायरेक्टली पाकिस्तान का वजीर आजम बना दें और आपके पास कितना सपोर्ट होगा, कितने बंदे होंगे? बात सुने, एक तो आप तरफ कह रहे आपको वजीर आजम बना देते हैं, एक तरफ आप कह रहे आपको क्यों बना दें? आप सोचेंगे ना अपने घर के, तो फिर हर आदमी अपने घर तक सोचेगा, आप सोचेंगे ना दूसरों के बारे में। क्लैपिंग क्लैपिंग, गल की समझ नहीं आई। बाकी तुम क्या जो तरीके वो तरीका अच्छा लगे, पाकिस्तान अगर तू मिल जाए तू सदारत दे दी जाए कि पाकिस्तान तुम चलाना है, किमें महंगाई घट करो? बिस्मिल्ला, महंगाई तो तकरीबन ये आवाम से पैसा इकट्ठा करके महंगाई कम हो सकती है, और बाहर से कर्जे लेने से तो महंगाई कम नहीं होगी। जैसे इमरान खान कह रहा था ना वो इस टाइम, जैसे वो पहले। अच्छा सर, इमरान खान साहब की गल या किसी भी पॉलिटिशियन की गल तुसी नहीं करनी, तुसी अपनी गल करनी। ऐसे टाइम पाकिस्तान ताडे कोल है पिछले पांच मिनट तो, तुसी कुछ नहीं कर रहे, तुसी ये भी इमरान खान नाल वेखी जा। बिस्मिल्ला, ऐसे ऐसे ही हालात सेट होंगे, पाँच मिनट से क्या होगा? पाँच मिनट से मुझे पाकिस्तान दे दिया है, आगे बताया ना कितने टाइम तक है, पाँच साल तक है, एक साल तक है, छः महीने तक है, फिर मैं उसी हिसाब से काम करूँगा ना। अगर आप देंगे ना पाँच मिनट के लिए तो फिर मैं पाँच मिनट में क्या करूँगा? पाँच मिनट में, पाँच मिनट से यकीन करो करके मैं आके हाथ धो के मुँह धो के फ्रैश हो जाता। पांच मिनट हो गए तुहाडे कोल, मतलब कि हुण सत्त मिनट हो गए, पाकिस्तान का कुछ नहीं कर रहे, पाकिस्तान की तरक्याती काम लाओ, तुहाडे कोल पाकिस्तान आ गया। बिस्मिल्ला करो, चलो सबसे पहले तो नौजवान है ना, नौजवान नौजवान कभी नहीं होंगे। यस जवान, यस जवान, चलो जो यस जवान है ना, उनको पहले कोई ना कोई अच्छा कारोबार देंगे कि वो अपने पैरों पर खड़े हुए, फिर इंशाल्लाह जब नौजवान यस जवान जो है ना, हाँ यस जवान, यस जवान, यस जवान जब आएंगे सामने, मेरे मेरे नहीं दसना, आवाम पूछती है, यस जवान जब आएंगे ना तो वो इंशाल्लाह ये मुल्क के हालात में महंगाई वो ही कम कर सकते हैं। मतलब तुसी कर्जा नहीं लोगे? कर्जा नहीं लोगे, कर्जे से तो हालात नहीं सेट होंगे। आप क्लियर हो जाए पहले कि आपने करना क्या, आप मुल्क वज़ीर आज़म बनाने जा रहे हैं। मेरा पॉइंट ये है कि आपको हम वज़ीर आज़म बना दें, बट क्यों बना दें, आप कौन है? यार मैं सबसे जो सबसे बड़ी खूबी मेरे अंदर ना दर्द दिल है इस मुल्क के लिए, ये मुल्क जो इस्लाम के नाम पे बना था कायद अजम मोहम्मद अली जिन्ना के, जो मतलब उसके मुताबिक रुलाएगा क्या, बस कर मोहल के मुताबिक जो बना था इस मुल्क में, कायद अजम किस तरह का पाकिस्तान देखना चाहता था? जीवे जीवे पाकिस्तान, गरीब अमीर सब एक हो, एक झंडे तले खड़े हो। आज
किस नहज पे पहुंच जाए मुल्क? नहीं, आप में ऐसा क्या टैलेंट है कि आपको वजीर आजम बना दे? मुझे टैलेंट की जरूरत नहीं है, टैलेंट है, टैलेंट की हमारी रिक्वायरमेंट है कि हम टैलेंट ढूंढ रहे हैं कि जिसके पास टैलेंट होगा हम उसे वजीर आजम ऑफ पाकिस्तान बनाएंगे। तो इनके पास ऐसा क्या टैलेंट है बताएं? मेरे पास ऐसा टैलेंट है अगर हाथ में डंडा आ जाए ना, मतलब अथॉरिटी मेरे पास आ जाए। नहीं, आपने पहले डंडा क्या है? डंडा क्या मीन्स? अथॉरिटी, अथॉरिटी, अथॉरिटी अगर आ जाए मैं इंसाफ करूंगा, रूल ऑफ लॉ को मैं इंश्योर करूंगा, ठीक है ना, हर एक को खींच के इंसाफ के साए तले लाऊंगा, किसी के साथ जुल्म ज्यादती नहीं। नहीं, आपने ये नहीं बताया, आपने ये नहीं बताया कि आपके अंदर टैलेंट क्या है। आप बिजली के तारों में चलते हैं, आपके अंदर क्या टैलेंट है? टैलेंट है अथॉरिटी को मैं मिसयूज नहीं करता, गाड़ियों की हवा मुंह से भरती है, ऐसा क्या टैलेंट है आपके पास? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान। अजे तक कोई ऐसा मनसूबा तुम दसिया नहीं, 15 मिनट हो गए पाकिस्तान ताडे कोल पे है, ताडी जेब च है, तुसी कोई तो जब हुकूमत मिलती है बंदे को, जब सर मैं तुहानू जदों मैं तुहानू पाकिस्तान दे दिता है तो तुसी उदों नहीं कुछ किया, तुहानू असली मिल गया, तुसी उन्हां दे की हाल करो? ऐसे तो नहीं हो सकता सर, जब बंदा उस स्टेज पर पहुँचता है तो बंदा फिर सोचता है। केड़ी स्टेज पर भाई जान, तुसी ताडे वर्गा बच्चा 50 रुपए का टोकन लैके भी झीजी मीजी खेडे ना तो फिर भी एंड नहीं कर सकता। सर कहने का मकसद है कि तुम पाकिस्तान मिल भी गया तो कुछ नहीं करना? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, कोशिश तो करेंगे हम। ताड़ी कोशिश जो पाकिस्तान रह गया ना वो भी साढ़े हथों खोए जाना, ताड़ी मेहरबानी जाओ, मेहरबानी। अच्छा मजाक कर रहे थे ना, छोटा जहा प्रैंक किया, मजाक कर रहे थे, कैमरा लगे, कैम ऑन है तो ना तो शो, गुस्सा नहीं करना, ठीक है सर? तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये भाई वजीर आजम बनने की रेस में अपने आप को शामिल करना चाहते हैं, लेकिन इनके पास कोई सपोर्ट नहीं है। इन्हें हमने ऑफर किया है, हम इन्हें चुंगी अमर सद्दू का वजीर आजम बना सकते हैं, बरकत मार्केट का बना। आपके पास कोई सपोर्ट है? इनके पास दो बंदों की सपोर्ट है और ये कह रहे हैं हमें वजीर आजम वो पाकिस्तान बना दिया जाए, ऐसा नहीं होता सर, मजाक कह रहे हैं आपके साथ एक छोटा सा। ये फनी इंटरव्यू है। और ये जो फिर ऑरेंज ट्रेन का जो कर्जा है, ये बाकी जो करते हैं वो कहाँ से देंगे? वो ये आवाम पूरे करेगी। देखे ना, मतलब ये आप पेट्रोल चाह रहे हो कि 1000 रुपये लीटर हो जाए? ये 250 हुआ, कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ ना, 1000 रुपये भी होगा ना अगर आवाम समझ जाए कि 1000 रुपये से। चल भाई जा, एक मिनट यार, पाकिस्तान दिता है पिछले 10 मिनट तो, ते महंगाई महंगाई करी जा रहे ने, मैं महंगाई घटाने की गल की तू अगो महंगाई बढ़ाने लगा। यार तू खुदा दा ना लै, तू कह रहे था तेन पाकिस्तान दिता है, तू अगो दी होर महंगाई करी जा, कोई अकल नू हाथ मारी दा, जवान जान बंदा यार। फिर ऐसे करें, पाकिस्तान आप ओ नहीं रहन दे, पाकिस्तान आप ओ नहीं चाहिए ही नहीं भाई, मैंने तो ऑफर ही नहीं की, मैंने कहा तुम ले लो, मैंने तो चाहिए ही नहीं यार। आप जिस तरह मुझे मैं रह रहा अल्हम्दुलिल्लाह भाई, बहुत सोना रह रहा। अच्छा मजाक कर रहे, छोटा जहा मजाक किया, शो रिकॉर्ड कर रहे हैं।